हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की बुराई करते हैं, उसे कुआं में ढकेलना चाहते हैं और खुद हम उस कुएं में डूब जाते हैं। एक कहावत है दोस्तों, यदि हम दूसरों के लिए कांटा बिछाएंगे तो वह कांटा हमें खुद गड़ेगा, हमें फूल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस बात को हम एक मोटिवेशन कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप गौर से सुनिएगा। एक कुआं है, उसमें दो मेंढक का परिवार रहता है। दोनों का नाम हम रख देते हैं ए और बी। दोनों मेंढक बहुत ही खुशहाल पूर्वक उस कुएं में रह रहा था। अचानक दोनों में हल्का फल्का झगड़ा हो गया। ए मेंढक ने बी मेंढक से बदला लेने के बारे में सोचने लगा, मैं उससे बदला लूंगा। ए पूरा दिमाग लगाने लगा कि मुझे क्या ऐसा करना है बी को मैं मार या उसके परिवार को नष्ट कर दूं। वह कुएं से बाहर आता है और एक बूढ़ा सर्प से दोस्ती करता है और उस सर्प से वह शर्त रखता है कि बी के परिवार को हम दिखा देंगे और उसके परिवार को खत्म करने के बाद तुम मेरे उस कुएं से बाहर निकल जाना और मेरे परिवार को कुछ नहीं करना। बूढ़ा सर्प सोचता है कि कितना मूर्ख यह है, इस बुढ़ारी में हम फिर दूसरी जगह कहाँ खोजेंगे अपना भोजन। वह सर्प उससे कुछ नहीं कहता है और तैयार हो जाता है। ये मेंढक है जो उसे रहने का जगह बता देता है, इस छेद में यहाँ यहाँ तुम्हें रहना है। धीरे धीरे करके बी का परिवार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस मेंढक आता है और सर्प से कहता है कि शर्त हमारी पूरी हुई, अब तुम जा सकते हो। सर्प कहता है नहीं, इस बुढ़ारे में हम अब अलग कहाँ जाएंगे, जो होगा यही होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये सर्प का परिवार भी वह खाने लगता है और अंततः सिर्फ मेंढक ये बचता है। जब उसकी बारी आती है तो वह सर्प से कहता है, मेरे मित्र, तुम मुझे दिखा जाओगे तो तुम्हारे लिए भोजन दोबारा मेंढक दूसरा मेंढक इस कुएं में कौन लाएगा। तुमने तो मेरा परिवार खा लिया, मेरे दोस्त के परिवार को खा गया। अब सोचिए कि यहाँ पे वह दोस्त कह रहा है, मतलब उसको अब समझ में आया है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी है। सर्प तैयार हो गया कि ठीक है जाओ। उस मेंढक कुएं से बाहर निकला और फिर दोबारा भी कभी उस कुएं में नहीं गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि हम किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं या फिर उसकी किसी प्रकार की कुछ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उससे हमारा क्या होने वाला है और आने वाला समय में हमें क्या पहुंचाएगा, इसकी सीख जरूरी है। दूसरी सीख यह मिलती है कि वह बुराई हमें कितना नुकसान और कितना फायदा पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कि तिल का जो तिनका जो कहा जाता है ना, उसे हमें नहीं करना है। हमें अपने पेशेंस, धैर्य और साहस के साथ रहना, दूसरों लोगों की बुराई नहीं करना, उसे कुएं में ढकेलने की कोशिश नहीं करना है जब तक वो हम पे पूरी तरह से हावी न रहे। थोड़े थोड़े बात के लिए दूसरों को बुला भरा नहीं कहना चाहिए। तो आशा है क्या कहानी आप सभी को पसंद आएगा। तो प्लीज़ कहानी पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं, धन्यवाद।